हेलो फ्रेंड्स, मूवी कर हियर। आज मैं आप लोगों के लिए 2022 में रिलीज हुई एक सुपर रोमांटिक मूवी परसुएशन का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। ये मूवी सच्चे प्यार को दर्शाती है। अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया है तो चाहे आपकी जिंदगी में कैसे भी हालात आ जाए, इंसान अपने सच्चे प्यार को कभी नहीं भूल पाता। इस फिल्म में हम डकोटा जॉनसन को देखेंगे, जिसे आप लोगों ने 50 Shades की मूवी में देखा होगा। इस मूवी में उसका नाम एन रखा गया है। एन अपने प्यार से बहुत सालों पहले अलग हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड गरीब होता है। फिर हमें एन की फैमिली को दिखाया जाता है। एन हमें बताती है कि मेरे फादर बहुत अमीर हैं और मेरी मदर की डेथ बहुत सालों पहले हो चुकी है। एन की बड़ी सिस्टर का नाम एलिजाबेथ है। हमें उनको देखने में लगता है कि वो बहुत अमीर है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कर्जे में डूब चुके हैं। इसलिए एक दिन कर्जदार आकर उनके घर का सामान ले जाते हैं। एक दिन एन के फादर सर वॉल्टर के पास एन की मदर की फ्रेंड लेडी रसल आती है। रसल ने ही बचपन से एन को संभाला है और सिखाया है कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। उसके हर फैसले में उसने एन की मदद की है। और रसल ने ही एन को उसके लवर को छोड़ने के लिए कहा था, जिस बात के लिए एन को आज तक पछतावा है। रसल के साथ जो आदमी होता है वो सर वॉल्टर से कहता है, आपको इस घर को किराए पर देना होगा और आपको एक दूसरे घर में शिफ्ट होना होगा, जिससे हमारी थोड़ी कमाई हो जाए और हम कुछ कर्जों को चुका सके। वॉल्टर पहले इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन एन के समझाने पर वो मान जाता है। फिर लेडी रसल एन से मिलने जाती है। तब एन उससे कहती है कि शायद मैंने अपने लवर को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब लेडी रसल कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी साधारण इंसान के साथ जाने नहीं दे सकती थी। एन रसल को बताती है कि अब वो साधारण नहीं रहा, अब वो भी अमीर हो चुका है, अब वो एक कैप्टन बन चुका है। तब लेडी रसल कहती है कि अगर वो भी सच्चा प्यार करता है तो वो तुम्हारे पास एक दिन जरूर वापस लौट आएगा। एन हमें ये बताती है कि उस रोज जो भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। उसे अपने लवर फ्रेडरिक वेंटवर्थ को नहीं छोड़ना चाहिए था। एन ने आज भी उसके सारे लेटर संभाल के रखे हैं। एन हमसे कहती है कि मेरी गलती की वजह से अब वो मुझे प्यार नहीं करता, वरना उसने मुझे और लेटर्स भेजे होते। अगले दिन एन की फैमिली उस घर को छोड़कर चली जाती है। एन के फादर सर वॉल्टर एन को वहीं रुकने के लिए कहते हैं, ताकि वो वहां पर आने वाले लोगों को उनका घर दिखा सके और वो ये कह सके कि इस घर का ख्याल रखना। अगले दिन जनरल क्रॉफ्ट और उनकी वाइफ एन के घर को देखने आते हैं। जनरल क्रॉफ्ट की वाइफ को एन का घर बहुत पसंद आता है। तभी एन को पता चलता है कि उसका एक्स लवर जनरल क्रॉफ्ट की वाइफ का भाई है। उसने अभी तक शादी नहीं की है और 2 दिनों के बाद वो इस घर में रहने के लिए आने वाला है। एना अभी भी ये समझ नहीं पा रही थी कि वेंटवर्थ क्या आज भी उस पर गुस्सा होगा या उसने सब कुछ भुला दिया होगा। वहाँ से निकलने के बाद एन अपनी सिस्टर के घर जाती है, जो एक टाउन अपर क्रॉस में रहती है। एन की सिस्टर मैरी बहुत नकचड़ी है और वो हमेशा ही अपने हस्बैंड और अपने ससुराल वालों की बुराइयां करती है। मैरी हमेशा ही बीमार होने का नाटक करती है, लेकिन मैरी की 2 ननद है जो एनी को बहुत पसंद करती है, क्योंकि एन दिल की बहुत अच्छी है। एन के वहाँ आने से मैरी के ससुराल वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ मैरी का पति चार्ल्स आता है। वहाँ वो सबको बताता है कि आज रात को क्रॉफ्ट फैमिली आज हमारे घर डिनर पर आ रही है और उनके साथ वेंटवर्थ भी आ रहा है। मैरी की ननद लुइसा एन से कहती है कि वेंटवर्थ बहुत खूबसूरत है, वो बहुत गुड लुकिंग है। लुइसा वेंटवर्थ को बहुत पसंद करती है, इसलिए वो उसकी तारीफें करने लगती है। लेकिन एन उस डिनर में नहीं जाती, क्योंकि मैरी के बेटे की तबीयत खराब हो गई थी और यहाँ एन घर पर रुककर उसका ख्याल रखती है। अगले दिन जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब सभी वेंटवर्थ के बारे में बात करते हैं। तब एन वेंटवर्थ का मजाक उड़ाती है, लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि वेंटवर्थ उसके पीछे खड़े होकर सब सुन रहा है। एन जब पीछे घूमती है तब वहाँ वेंटवर्थ होता है, जिसे देखकर उसे बहुत ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि वो उसका मजाक उड़ा रही थी। तब यहाँ सबको पता चलता है कि वेंटवर्थ और एन एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। रात में सभी लोग वेंटवर्थ के घर पार्टी के लिए जाते हैं, जहाँ पर लुइसा एन को वेंटवर्थ के पास बैठने के लिए कहती है, लेकिन एन वेंटवर्थ के पास नहीं बैठती। ये बात उसको पसंद नहीं आती, इसलिए वेंटवर्थ लुइसा को अपने पास बैठा लेता है
और खाना खाते वक्त वो लुइसा की बहुत तारीफ करता है। ये देखकर एन को बहुत जलन होती है। वेंटवर्थ बताता है, एक जमाना था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। अब मैं शादी करके एक फैमिली बसाना चाहता हूँ। इसके बाद सभी लोग हॉल में चले जाते हैं, जहाँ पर एन पियानो बजाती है। तभी उसके पास मैरी आती है और उससे कहती है कि वेंटवर्थ अब तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तभी एन देखती है कि लुइसा और वेंटवर्थ साथ में डांस कर रहे हैं। ये बात एन को पसंद नहीं आती। उसे ये लग रहा था कि वेंटवर्थ उसे जेलस फील कराने के लिए ये सब कर रहा है। अगले दिन एन और वेंटवर्थ की मुलाकात होती है। एन वेंटवर्थ से पूछती है कि क्या आज भी तुम मुझसे नाराज हो। वेंटवर्थ उससे कहता है कि तुम हर चीज को अपने ही नजरिए से देखती हो, इसलिए तुम्हें यही लगता है कि तुम सही हो और बाकी दुनिया गलत। अगले दिन ये सभी लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर लुइसा एन से कहती है, मैं तुम्हें और वेंटवर्थ को एक साथ देखना चाहती हूँ, तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन अब मैं भी वेंटवर्थ को पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर एन दुखी हो जाती है। वेंटवर्थ और लुइसा बात करते करते जंगल में चले जाते हैं। एन भी उनको फॉलो करती है। वेंटवर्थ लुइसा से कहता है, एन भी अपनी बहन मैरी की तरह नकचड़ी है। तब लुइसा उससे कहती है कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, एन तो बहुत अच्छी है। एन को जब पता चलता है कि वेंटवर्थ उसके बारे में ऐसा सोचता है, तब वो दुखी हो जाती है। अगले दिन ये सब मिलकर लाइम नाम की एक जगह पर जाते हैं, जो कि एक बीच है। वहाँ पर ये लोग सुबह से लेकर रात तक बहुत एंजॉय करते हैं और रात में डिनर करते वक्त वेंटवर्थ के दो दोस्त भी वहाँ आते हैं। अगले दिन ये सभी लोग पहाड़ पर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर एन के पास विलियम नाम का लड़का आता है। वो एन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और यहाँ एन भी उसके साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन ये बात वेंटवर्थ को पसंद नहीं आती, इसलिए वो विलियम को एक लुक देता है और चला जाता है। फिर एन जब बीच पर होती है, तभी वहाँ वेंटवर्थ भी आता है। वो उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो कहता है, मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था, जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसता था मैं तुम्हें ही याद करता था, और मैं इस तरह तुमसे नाराज रहने का दिखावा नहीं कर सकता, मैं तुमसे दोबारा दोस्ती करना चाहता हूँ। एन भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। अब ये दोनों ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसके बाद वेंटवर्थ वहाँ से चला जाता है। होटल में एन की मुलाकात विलियम से होती है। विलियम भी एन से कहता है कि मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन एन उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। बाद में ये सभी लोग एक किले में घूमने के लिए आते हैं, जहाँ पर लुइसा जानबूझकर वेंटवर्थ की बाहों में कूद जाती है और सही वक्त पर वेंटवर्थ उसे पकड़ लेता है, लेकिन लुइसा दोबारा ट्राई करती है और वेंटवर्थ को उसे कैच करने के लिए कहती है, लेकिन वेंटवर्थ उसे कैच नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि वो मजाक कर रही है। लेकिन लुइसा कूद जाती है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। वो सभी लोग उसे उठाकर वापस होटल में ले आते हैं। यहाँ डॉक्टर उनको बताता है कि लुइसा जल्द ही ठीक हो जाएगी। अगले दिन एन रसल से मिलने जाती है। रसल एन को लेकर सर वॉल्टर के नए घर में लेकर जाती है, जहाँ पर एन की मुलाकात उसकी बहन एलिजाबेथ से होती है। एलिजाबेथ एन को बताती है कि आज उनके घर विलियम आने वाला है और वो विलियम को बहुत पसंद करती है, वो उससे शादी करना चाहती है। रात में जैसे ही इनके घर पर दावत शुरू होती है, वहाँ पर विलियम भी होता है। विलियम एन के पास आता है और बातें करने लगता है। तब एन उसे बता देती है कि एलिजाबेथ तुमको बहुत पसंद करती है और वो तुमसे शादी करना चाहती है। ये सुनकर विलियम बहुत खुश होता है। अगले दिन विलियम एन के पास आता है। वो कहता है कि तुम्हारे डैड पेनेलोप क्ले से शादी करना चाहते हैं। क्ले वही औरत है जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वॉल्टर के साथ ही रहती है, और विलियम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो एन से कहता है कि अगर तुम्हारे डैड ने क्ले से शादी कर ली तो हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वॉल्टर को ये शादी करने से रोक लो। अगले दिन एन रसल से मिलती है। वो रसल से कहती है कि मैं विलियम को पसंद करने लगी हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। रसल उससे कहती है कि अगर वो तुम्हें प्रपोज करता है तो तुम उसे हाँ कर देना। एन उससे कहती है कि इस बार मैं अपनी जिंदगी का फैसला अपने दिल से लूंगी। ये बात रसल को पसंद नहीं आती। वो एन से कहती है कि लुइसा और वेंटवर्थ भी एंगेज होने वाले हैं। ये बात सुनकर एन
बहन बहुत निराश हो जाती है और घर आकर रात भर नशे में रोते रहती है। यहाँ पर एन हमें बताती है, लोगों को लगता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन हर बार मैं अपनी तकलीफ को नहीं छुपा सकती। अगले दिन हम उसे एक केक शॉप में देखते हैं, जहाँ पर वेंटवर्थ उसके पास आता है। दरअसल वेंटवर्थ आज भी एन से प्यार करता है, वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था, इसलिए वो एन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर विलियम भी आ जाता है। वेंटवर्थ अपने बिहेवियर के लिए विलियम से माफी मांगता है, अब विलियम भी उसे माफ कर देता है। साथ ही वो वेंटवर्थ से कहता है, अगले दिन मैं अपने घर में एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। विलियम वेंटवर्थ को भी इनवाइट करता है और इसके बाद एन भी वहाँ से चले जाती है। अगले दिन वेंटवर्थ उस कॉन्सर्ट में पहुँच जाता है। यहाँ पर एन उसके पास जाती है और उसे अकेले में ले जाकर उससे बातें करती है। जैसे ही वेंटवर्थ और एन बात करने लगते हैं, तभी वहाँ विलियम भी आ जाता है। वो एन को बताता है कि तुम्हारे डैड तुमको ढूंढ रहे हैं। विलियम वेंटवर्थ से कहता है कि मैं एन से बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, मैं तुम्हें उस शादी में आने के लिए इनवाइट करता हूँ। इसके बाद वहाँ पर एक लेडी गाना गाती है, जिसे सुनकर एन और वेंटवर्थ उदास हो जाते हैं। वेंटवर्थ वहाँ से जाने लगता है, तब एन भी उसके पीछे पीछे वहाँ से निकल जाती है। एन अब वेंटवर्थ के पास आ जाती है, वो उससे बातें करना चाहती है, लेकिन दोबारा विलियम उनके बीच आ जाता है। विलियम के आते ही वेंटवर्थ वहाँ से चला जाता है। तभी विलियम एन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विलियम उसे सोच समझ कर जवाब देने के लिए कहता है। एन अब कंफ्यूज है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या, इस बारे में वो रात को सोचने लगती है। अगले दिन एन की मुलाकात चार्ल्स से होती है। चार्ल्स एन से कहता है कि लुइसा जल्द ही शादी करने वाली है और इसी खुशी में मैंने अपने घर पर पार्टी रखी है। वो एन को वहाँ आने के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन एन उस पार्टी में चले जाती है। उस पार्टी में वेंटवर्थ भी आया होता है। फिर एन वेंटवर्थ के एक साथी के पास बैठ जाती है। वो उससे कहती है कि इंसान जिससे भी प्यार करता है उससे प्यार का इजहार कर लेना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दरअसल वो ये सब वेंटवर्थ को सुनाने के लिए कहती है। वेंटवर्थ एन के पीछे ही बैठा था। वेंटवर्थ उसकी बातें सुनकर उसके लिए एक लेटर लिखता है और वो उसके नाम का लेटर वहाँ छोड़कर चला जाता है। एन की नजर जैसे ही उस लेटर पर पड़ती है, तब वो उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है। वेंटवर्थ ने उसमें लिखा था कि वो अभी भी एन को उतना ही प्यार करता है जितना वो 8 साल पहले किया करता था। मुझे पता है कि तुम विलियम के साथ शादी करने वाली हो, लेकिन मैंने अपने प्यार का इजहार अगर आज भी नहीं किया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इस लेटर को पढ़कर एन इमोशनल हो जाती है और वो वेंटवर्थ को खोजने लगती है। बाहर आकर वो देखती है कि विलियम और क्ले एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वो वहाँ रुककर विलियम को कहती है कि तुम्हें क्ले के साथ तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। फिर वो भागते भागते वेंटवर्थ के पास पहुँचती है और वो उससे कहती है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम करते हो। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कुछ दिनों के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और इसी के साथ इस रोमांटिक सी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मूवी अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।